भारत की राजनीति में जीवंत माधवराव सिंधिया जी का नाम बहुत शानदार तरीके से, गौरवशाली तरीके से लिया जाता है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को मैनपुरी पहुंचे, जहां उन्होंने माधवराव सिंधिया की मूर्ति का अनावरण किया। भारत की राजनीति में जीवंत माधवराव सिंधिया जी का नाम बहुत शानदार तरीके से, गौरवशाली तरीके से लिया जाता है। सौभाग्य है कि मुझे उनके सानिध्य में उनके साथ सांसद के रूप में कुछ दिनों तक कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ था। संसद में उनका मिलनसार स्वभाव, अपनी सहजता, अपनी सरलता और प्रत्येक दल के लोगों के साथ दलीय सीमाओं से उठ करके एक सहयोग करने का भाव, वह हमें 1998 से लेकर के 2001 के बीच में देखने और सुनने को उस दौरान मिला था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, मध्य प्रदेश राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश लोक निर्माण राज्य मंत्री सुरेश धाकड़, मंत्री मध्य प्रदेश उद्योग नीति व निवेश प्रोत्साहन मंत्री जयवर्धन व यूपी सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह के अलावा मंत्री अनूप प्रधान के साथ अन्य प्रदेश के मंत्री भी मौजूद रहे। भोगांव क्षेत्र के भैसरोली में माधवराव सिंधिया का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। माधवराव सिंधिया हेलीकॉप्टर से दिल्ली से कानपुर जा रहे थे। माधवराव सिंधिया सहित हेलीकॉप्टर में मौजूद 8 लोगों की भी दुर्घटना में मौत हुई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने माधवराव सिंधिया की मौत के बाद उनके शव को लाने के लिए प्राइवेट जेट मैनपुरी भेजे थे। माधवराव सिंधिया की मृत्यु के बाद आगरा रोड पर सिंधिया तिराहे पर उनकी एक मूर्ति स्थापित कराई गई थी और जिस पर मूर्ति लगवाई गई उस तिराहे का नाम सिंधिया तिराहा रख गया था। पुरानी मूर्ति को हटवाकर अब यहां नई मूर्ति लगवाई गई है। Thank you.